प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 114वीं जयंती पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थापित डॉक्टर परमार की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आयोजित डॉक्टर परमार की जयंती समारोह पर एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि परमार हिमाचल निर्माता के रूप में जाने जाते थे। वे पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने प्रदेश को दिशा और नेतृत्व दिया और उनके बताए गए मार्ग पर हिमाचल आगे बढ़ते हुए एक सम्मानजनक स्थान पर पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल लंबे अंतराल के बाद काफी आगे बढ़ा है। पहाड़ी प्रदेश को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने में जो मार्गदर्शन डॉक्टर परमार ने दिया उसके प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों ने अनुसरण किया है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद वो पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इस प्रदेश को एक दिशा दी, एक विजन दिया, नेतृत्व दिया, और इस अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और साथ में उनके बताए गए मार्ग पर हिमाचल लगातार आगे बढ़ते बढ़ते एक अलग पहचान के साथ पूरे देश में एक सम्मानजनक स्थान पर पहुंचा है। और उस दृष्टि से स्वाभाविक रूप से एक पहाड़ी प्रदेश और छोटा प्रदेश होने के नाते जो व्यवहारिक कठिनाइयां थी उनके बारे में हमेशा डॉक्टर वाई एस परमार जहां भी केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष उस वक्त बात कहते थे कि हमारी जिंदगी, हमारा जीवन बाकी राज्यों की तुलना में कठिन है, जटिल है, हमारी परेशानियां अलग तरह की हैं। ऐसे में आज भी उन सारी बातों का हम जिक्र करते रहते हैं। हालांकि विकास की दृष्टि से हिमाचल तब और अब बहुत परिवर्तन में है, बहुत आगे बढ़ा है हिमाचल प्रदेश स्वाभाविक रूप से इस लंबे अंतराल में, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल के पहाड़ी लोगों के लिए, चाहे वो संस्कृति पहाड़ी है हमारी, उसके लिए उनका जो सम्मान हमेशा संस्कृति के प्रति रहा, संस्कृति के प्रति हमेशा उनका जो है आग्रह रहा कि इसको जीवित रखना चाहिए, और दूसरे उसके बाद इस पहाड़ी प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए जो विजन, जो दृष्टि, जो सोच, उनकी जो मार्गदर्शन हमको मिला है, उस मार्गदर्शन के मुताबिक जो है आज हिमाचल प्रदेश में विभिन्न समय में विभिन्न लोग जो यहाँ राजनीतिक क्षेत्र में मुख्यमंत्री के बतौर काम किए हैं उन सब लोगों ने अनुसरण किया है, और आज हमको भी अच्छा लगता है कि जो उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो चीज़ें उन्होंने उस वक्त बताई थी आज भी वो बहुत उपयोगी हैं। इस दृष्टि से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के उस कंट्रीब्यूशन को, उस योगदान को हम आज स्मरण करते हैं। बहुत धन्यवाद, थैंक। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रिज मैदान पर स्थित डॉक्टर परमार की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि परमार का बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। राज्यपाल ने कहा कि परमार ने पहाड़ी परिस्थितियों को देखते हुए हिमाचल का विकास किया। राज्यपाल ने डॉक्टर परमार की तुलना लाल बहादुर शास्त्री से करते हुए कहा कि जैसे शास्त्री अपने पद को छोड़ने के बाद सरकारी गाड़ी को छोड़कर घर गए, उसी तरह परमार भी मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद बस से घर गए थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल के पिछड़े हुए पहाड़ी इलाकों का विकास ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री वाईएस परमार जी का आज जन्मदिवस है, और उनका जन्मदिवस हर वर्ष मनाते हैं। वो बहुत बड़े व्यक्तित्व था उनका, और उनका जीवन भी जो है मूल्यों पर आधारित था, और एक आदर्श पालन के रूप में उन्होंने पहली बार यहाँ पहाड़ी इलाकों के वातावरण को समझकर, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को समझकर बागवानी और अपना व्यवसाय एग्रीकल्चर ऐसे विषयों के ऊपर जो है
जहाँ जहाँ ध्यान रखकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश का पूरा जो है डेवलपमेंट करने का उन्होंने प्रयास किया है। इतना ही नहीं, उन्हें बहुत सादगी आदमी थे और मैंने पढ़ा था कि उनका जैसे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, वो जब रेलवे मिनिस्टर के नाते से अपने मंत्री पद को इस्तीफा दिया उस समय में उन्होंने अपना सरकार का गाड़ी छोड़कर उन्होंने चलते हुए घर गए। ऐसे ही परमार जी भी जब मुख्यमंत्री के पद से उतरे, इन्होंने भी जो अपने यहाँ के जो भी ट्रांसपोर्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसमें जो बैठकर उन्होंने अपने गांव पहुँचा है। ऐसे जो है आदर्श मूल्यवान और बहुत ही सज्जन आदमी और जननायक थे। ही वॉज नॉट ओनली अ पॉलिटिशियन, ही वॉज अ मैन ऑफ स्टेट्समैन। इसलिए उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करना है। ये हिमाचल प्रदेश को कृषि में और बागवानी में और पहाड़ी इलाकों में जो पिछड़े हुए जो प्रदेश है उसका जो है ज़्यादा डेवलपमेंट करना ही उनके लिए श्रद्धांजलि हो सकती है। पीएलटीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।